थैंक यू बहुत ऑडियंसेस से आपके फैंस से जी मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ। बेसिकली इतना सारा प्यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑडियंस से भी, ऑफ कोर्स जो मेरे को मिल रहा है, पीड़ मेरी को मिल रहा है। और मेरा पहला गाना तो एक होता ना, जब आप पहले पहले कोई नया नया काम करते हो आप श्योर नहीं होते हो कि यार किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। अब अपने बच्चे को तो आप, मेरे फ्रेंड्स मेरे घर वाले वो तो अच्छा बोलेंगे, लेकिन आप लोगों को कैसा लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो प्यार दे रहे हैं, जो जिस रेशियो में व्यूज़ आ रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। सिंगिंग का पैशन कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे आया ये दिमाग में, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सिंगिंग मेरे बचपन से ही दिमाग में थी, मतलब एक्टिंग नहीं थी, सिंगिंग थी। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब से मैं गाने लिख रहा हूँ। एंड मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बताता हूँ, आई हैव मोर देन 150 कॉम्पोजिशंस रिटन एंड कम्पोज बाय मायसेल्फ। अभी मैंने एक ही रिलीज़ किया है, मेरे पास बहुत सारा रॉ मटेरियल है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग मुझे व्यूज़ के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू बताइए। आई विल डेफिनेटली कीप ऑन डूइंग दिस वर्क एंड दिस इज समथिंग आई लव डूइंग, तो मैं रोज़ भी कर सकता हूँ। पीड़ मेरी की अगर आप लिरिक्स पूछेंगे तो मतलब आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, हार्डली 15-20 मिनट में लिख देता हूँ। गाने ऐसे ही बनते हैं, अगर आप म्यूजिशियन से पूछेंगे ना, वो एक वक्त होता है जब आपका मन करता है, कोई एक पर्टिकुलर सोच आती है आपके दिमाग में, उस सोच पे आप गाना लिख देते हैं। 15-20 मिनट में गाना लिखा जाता है, गाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब मुझे नहीं लगा और वो लिखे गए। बट इतने सारे पुराने गाने मेरे लिखे हुए हैं जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए, तो ऐसा भी होता है जी। नहीं, बस दिल किया, ऐसा एज सच कोई मोटिव नहीं था, बाकी किसी के बारे में सोचा नहीं, साथ बैठे हुए थे, ये वाला गाना अच्छा लगा, चल यार करते हैं, बिकॉज दिस इज़ समथिंग शौक से कर रहा हूँ मैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है करना, सो इसलिए ये कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट पता नहीं कौन सा करेंगे। ओके, हमने देखा ये सैड सॉन्ग है जी, तो आप इसी तरह के सॉन्ग, सभी सॉन्ग ऐसे ही है, सैड सॉन्ग है या समथिंग डिफरेंट आल्सो? नहीं, अभी जो पाइपलाइन में है, वन इज़ पार्टी नंबर एंड वन इज़ हिंदी रोमांटिक, तो हर तरीके के गाने आपको मिलेंगे यहाँ पे, प्लैटर है, आप लोगों को जो जो अच्छा लगे आप बताइएगा, हम वैसा ज़्यादा करेंगे। टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट जी, अनीता के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, व्हाई यू चोज अनीता टू डू द सॉन्ग विद यू, और कॉन्सेप्ट किस तरीके से आया, कुछ रियल लाइफ में यू नो रेफरेंस किया थे या कुछ इस तरीके? या देखिए, इसका पहला आंसर तो ये है जो आप सब लोग जानते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, उनका फेस इतना सूदिंग लगता है कि आप वीडियो में देखेंगे तो ऐसा लगता है हाँ देखते ही रहो, इतनी खूबसूरत है, तो वो तो कोई डबल थॉट आता ही नहीं उनको लेने से पहले। एंड साइमल्टेनियसली शी इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड, तो मेरे बहुत क्लोज हैं वो, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके साथ करता हूँ। और गाने के हिसाब से अगर सोचा जाए तो वो हर, जैसे अभी कैरेक्टराइजेशन होता है, कास्टिंग जैसे आप बोलते हैं, मैंने ऐसी कोई कास्टिंग की नहीं है, बट फिर भी जो कैरेक्टराइजेशन होता है उसमें शी इज़ एप्ट, जो आप देखेंगे तो इमोशनल वाइज भी शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही कमाल के एक्टर की ज़रूरत थी जो वो कन्वे कर पाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ अपने गाने से भी और स्टोरी से, तो शी इज़ डन अ वेरी गुड जॉब। ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि हर आदमी यही बोलेगा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, डेफिनेटली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वर्ल्ड कप आने वाला है और एक देश में एक अलग ही माहौल होता है जब वर्ल्ड कप आने वाला होता है, तो सो आई एम ऑलवेज पार्ट ऑफ इट। मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता नहीं, मैं देखता हूँ बहुत अच्छे से। बहुत सारे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, बहुत खूबसूरत खूबसूरत फ्रेंड्स हैं मेरी, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो गाने में हमें पार्टी गाना है तो उसके हिसाब से कुछ और होगा, या देखते हैं, कभी कभी तो ऐसे रैंडमली भी चीज़ें होती हैं कि नहीं आज साथ बैठे हुए हैं चल साथ में गाना करते हैं, वैसा भी होता है। सो आई एम बीइंग ऑनेस्ट, जेन्युइनली यही होता है। पॉल, आपके साइड से यू नो फैंस के लिए डबल ट्रीट है, कल बेपनाह प्यार भी लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा आई लव यू ऑल, आप लोग बहुत सारा मुझे प्यार दे रहे हैं, आपने नागिन में मुझे प्यार दिया, आपने अभी बीच में वो मोस्ट डिज़ायरेबल मैन आया था उसमें आप लोगों ने मुझे नंबर 1 पे रखा,
अभी मेरा शो आ रहा है बेपना प्यार, उसके लिए मैं प्यार चाहता हूँ आपसे बहुत सारा, और ये पीड़ मेरी के लिए भी। नागिन ऑफर जा रहा है और साथ ही में रीयूनियन का शूट चल रहा है, सो कितना मजा आ रहा है वो शूट करने में, और ऑफ कर जाने की कितनी दुख है उसके बाद? बहुत दुख है डेफिनेटली, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम जब एक शो कर रहे होते हैं तो एक फैमिली जैसा बन जाता है। एक आपके घर पे तो आप हार्डली, मतलब बीइंग एक्टर, बीइंग टीवी एक्टर, आप घर पे नहीं रहते हो, आप सेट पे ही रहते हो। अब जब आप सेट पे हो तो अब सडनली आपको एक दिन पता चलता है कि यार शो ऑफेयर जाने वाला है, तो अब हम यहाँ नहीं आएंगे, भले कहीं और जाएंगे या घर पे रहेंगे, बट यहाँ नहीं आएंगे, तो वो फीलिंग ही बहुत ख़तरनाक होती है, बहुत मन ऐसा हो जाता है। तो कुछ दिनों से सेट पे ऐसे ही माहौल थोड़ा सा सुस्त है, हम सब एक दूसरे को यही बोलते रहते हैं, अरे यार ख़त्म होने वाला है, वील मिस यू, वील मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, यही सब कुछ चलता रहता है। आई एम वेरी सैड, क्योंकि कैरेक्टर से भी आप प्यार करने लगते हैं। माहिर से मुझे खुद बहुत प्यार हो गया है, जैसे आप लोग भी थोड़ा बहुत सारा प्यार करते हैं मुझे। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग जो मुझे प्यार दे रहे हैं उसके लिए, बट आई एम नॉट हैप्पी कि शो ऑफेयर जा रहा है, बट डेफिनेटली आई कैन प्रॉमिस यू दैट मैं आता रहूँगा, आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा किसी ना किसी कैरेक्टर में या कभी इस तरीके से। फैंस और व्यूअर्स को आज के दिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, प्लीज़ टी सीरीज़ के ऑफिशियल पेज पे जाइए, मेरा गाना सुनिए, पहला गाना है। आप सबका बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट दीजिए। जेन्युइनली अगर आपको गाना अच्छा लगता है तो उसको स्प्रेड कीजिए, लेट्स मेक इट बिग, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग पसंद करें और मैं और बहुत सारे गाने बना पाऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।